जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है दोस्त आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। एक और हम पेपर को रिव्यू करते हैं। अभी रिसेंटली एक पेपर हुआ था 2023 में, अवध यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, अधिकम एवं विकास का मनोविज्ञान। तो इस पेपर को हम रिव्यू करेंगे, देखते हैं कि कैसा पेपर आया था, बच्चे कैसे करके आए हैं आप लोग, और कमेंट में आप बताते हुए चलेगा कि कैसा रहा पेपर आपका, आपने जो तैयारी करी थी मेरे चैनल के माध्यम से कितना सहायक रहा भी कि नहीं रहा, तो आप एक जेन्युइन फीडबैक हमें यहाँ पर दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों पेपर के रिव्यू का, और देखते हैं कि आपका पेपर कैसा गया था, कैसा आया था, कैसा सवाल पूछा गया था, क्या लेवल था पेपर का, और साथ ही साथ कमेंट में आप बताते चलिएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ। तो दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पे, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट 2023 का क्वेश्चन पेपर है, बीएड फर्स्ट ईयर का सेकेंड पेपर है ये। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग क्या हुई थी वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो आपका पैटर्न था लिखने का वही रहेगा, जिस तरीके से आपने लिखा वही रहेगा, चेंजेस थोड़ा सा हुआ जैसे मैंने बताया था, वो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों एज यूजुअल तीन सेक्शन में पेपर पूछे गए थे। सेक्शन ए में आपके 10 सवाल थे, 10 करने थे। यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि जो सेक्शन ए का सवाल था, एक सवाल 2 नंबर का था और इनको 50 शब्दों में लिखना था, ठीक है, बस यही एक चीज़ है चेंजेस। एक सवाल 2 नंबर का था और उसको 50 शब्दों में लिखना था, और टोटल आपके 10 सवाल थे, यानी कि 20 नंबर का सेक्शन ए था। अब इन 20 नंबर के सेक्शन ए में 10 सवाल थे जिनको 10 के 10 करने थे। तो देखते हैं कि कैसा पेपर पूछा गया था, जिसमें आपका पहला प्रश्न यहाँ पे सामने निकल आ रहा है, व्यक्तित्व को परिभाषित करिए, पर्सनालिटी को डिफाइन करना था। किसी एक परिभाषा को आप लिख देंगे, काम हो जाएगा। अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन। बुद्धि लब्धि, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलिजेंस क्वोटेंट, बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं, ये सवाल आपसे पूछा गया था। और परिपक्वता यानी कि मेच्योरिटी को पूछा गया था। शैक्षिक तकनीकी तो नेक्स्ट पेपर है, शैक्षिक मनोविज्ञान को परिभाषित करिए। अभिप्रेरणा, यहाँ पे भी अभिप्रेरणा और यहाँ पे भी अभिप्रेरणा, ओके सेम क्वेश्चन रिपीट गया, कोई बात नहीं। अभिप्रेरणा क्या है, और अधिगम को प्रभावित करने वाले 4 कारक, और मानसिक आयु क्या है। दोस्तों यहाँ तक के 8 सवालों में आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, आसानी से आपने इसको लिख लिया होगा। बहुत ही रिपीटेड सवाल और अच्छे सवाल पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, शैक्षिक मनोविज्ञान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, शैक्षिक मनोविज्ञान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है। तो सबसे इसका ये थोड़ा सा ना कोई सवाल नहीं है, ये आपको क्या है भाई शैक्षिक मनोविज्ञान का प्राथमिक लक्ष्य, यही है कि बच्चों के मन को जानना, उनके व्यवहारों को समझना, उनके व्यवहारों के अनुसार उनके शिक्षा में चेंजेस करके उनकी शिक्षा को बेहतर बनाना। तो इसी तरीके से सवाल आपको लिखना था, ये इसमें कोई नया चीज़ नहीं था। दोस्तों नेम 5 प्रोग्राम स्कूल कैन कैरी आउट एंड मेंटेन, मानसिक स्वास्थ्य के लिए विद्यालय द्वारा चलाए जा सकने वाले 5 कार्यक्रमों के, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोई भी 5 कार्यक्रम यहाँ पे लिखना था। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए आप शिविर चला सकते हैं, हेल्प वाली कोई कैंपेन कर सकते हैं बच्चों को, और इसके बारे में जागरूक कर सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य के GK करा सकते हैं, कॉम्पिटिशन करा सकते हैं, इस तरीके के कोई भी आप 5 प्रोग्राम लिख सकते हैं जो कि विद्यालय के द्वारा चलाया जा सकता है, बस काम खत्म, ये ऐसा करना था। ये कुछ ट्रिकी सवाल थे जो लॉजिकल बेस्ड सवाल थे, ये कोई किताब से मतलब नहीं है, चाहे कोई कितना, ये अपने लॉजिक से आंसर देना था। अब आइए सेक्शन बी में दोस्तों, आपके इस बार 5 सवाल 6-6 नंबर के पूछे गए थे, जनरली कभी कभी 8 नंबर का पूछा जाता है, 6 नंबर का 200 शब्दों में इसको लिखना था, ठीक है। यहाँ पे वर्ड सेम है, बस नंबर थोड़ा कम कर दिया गया, क्योंकि पार्ट ए में यहाँ पे आपके 2 नंबर के सवाल थे। बुद्धि के बहुकारक का सिद्धांत, व्हाट इज द मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इसको एक्चुअली हमने नहीं देखा था टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन ये सवाल पूछा गया था। तो इसके अथवा में जो सवाल आया था उन्होंने उसको आपने किया होगा, कि बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करिए, वाह वाह वाह, एज इट इज क्वेश्चन आ गया था दोस्तों, ठीक है। तो आपने उन 3 अवस्थाओं का वर्णन कर दिया होगा, उसकी विशेषताएँ लिखती होगी, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल आ गया। अच्छा, अभिवृद्धि और विकास के बीच का अंतर बताइए, बिल्कुल अच्छा सवाल था कि नहीं था, बिल्कुल था। तो इन दोनों में से कोई एक करना था, तो आपने अभिवृद्धि और विकास का किया होगा। कक्षा परिस्थितियों में अभिप्रेरित करने की तकनीक बताइए, ये हमने नहीं देखा था, क्यों झूठ बोलूँ मैं, लेकिन हमने ये वाला, ये तो एज इट इज़ सवाल हम लोगों ने देखा था, बालक के विकास की अवस्थाओं को, और अभिवृद्धि और विकास को भी हमने एज इट इज़ देखा था। बताइए कोई समस्या बाबू, कोई समस्या नहीं हुई ना, आप लोग भी अच्छे से लिख के आए ना, आप बताते चलिए कमेंट में, ऐसा काम नहीं चलेगा। गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना के प्रतिमान के चित्र बताइए, प्रतिमान वाला यहाँ कैसे आ गया, SI मॉडल ऑफ गिलफोर्ड, ये हमने नहीं पढ़ा था। डिस्क्राइब द थीरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ द लर्निंग इन ब्रीफ, यानी कि अधिगम के स्थानांतर का सिद्धांत यहाँ पे पूछा गया था, तो इसको बहुत हम लोगों ने नहीं देखा था, बट हाँ शॉर्ट में इसको देखा था। व्यक्तिगत विभिन्नता के विभिन्न कारण बताइए, बताइए ये तो एज इट इज सवाल पूछा गया था, बहुत अच्छा सवाल है। प्रभावशाली अधिगम की क्या क्या बाधाएं हैं, तो आप मुझे उम्मीद है कि ये बच्चों ने किया होगा।
अधिगम करता पर परिवार एवं समुदाय के प्रभावों को स्पष्ट करिए। यह भी सवाल देखा गया था। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। बताओ, मस्त आ गया ना सवाल। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत सही। तो इनमें से दोनों आपने किया या फिर ये किया होगा, जीन प्याजे वाला किया होगा, तो ये भी आप लोगों ने कर लिया। अच्छा, अब यहाँ से आपने पाँच के पाँचों सवाल आसानी से कर लिया। वाह, मज़ा आ गया। अच्छा भाई, बताना जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास, मुझे लास्ट टाइम पर लगा कि ये पूछ सकता है डेफिनेटली, तो मैंने उसको बना दिया था और देखो आ गया। हाँ, ये क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत था पावलोव का, आराम से आपने किया होगा, कुत्ते पे जो प्रयोग किया था देखा हुआ ये है। ओके, डिफाइन द, अच्छा हिंदी में देख लेते हैं, बच्चे हिंदी में ज़्यादा जान देते हैं। विशिष्ट बालकों की परिभाषा, विशिष्ट बालक, स्पेशल बालक या फिर इंटेलिजेंट बालक, विशिष्ट बालकों की परिभाषा दीजिए और उनके प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के उपयुक्त कार्यक्रम को तैयार करिए। तो इस तरीके के सवाल, ये भी अच्छे सवाल थे। व्यक्तित्व, अच्छा व्यक्तित्व में, पर्सनैलिटी में वंशानुक्रम और पर्यावरण, उनके हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का कितना महत्व होता है, ये भी एक तो जनरल से सवाल था, आसानी से इस पर लिख लिया होगा आपने। आप अवलोकन विधि को, ये हमने नहीं देखा था, अधिक वस्तुनिष्ठ विधि वैध मानते क्यों। चलिए, इसमें आपको दो सवाल करने थे सेक्शन सी में, सेक्शन सी में आपको दो सवाल करने थे ना, कितने, हाँ, किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यहाँ पे साफ लिखा है किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए 500 शब्दों में। तो दो प्रश्नों में आपने क्रिया प्रस्तुत पावलोव का भी सिद्धांत यहाँ पे पढ़ रखा है और आपने ये भी पढ़ रखा है दोस्तों, प्रतिभाशाली बालकों की के लिए भी आपने उस समय पढ़ रखा है, साथ ही साथ व्यक्तित्व पे, वंशानुक्रम और पर्यावरण की परिभाषा। तो मुझे जहाँ तक लगता है आपने पावलोव किया होगा और व्यक्तित्व किया होगा ये वाले पे, पर्यावरण और वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही शानदार सवाल, बहुत ही मज़ेदार सवाल, अच्छा पेपर गया होगा सभी बच्चों का, मैं इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ। बाकी कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि कैसा आपका पेपर गया, सही गया, अच्छा गया, अच्छे से लिख के आएँ आप लोग। और फीडबैक देते हुए चलिए कि मेरे चैनल कितना आपके लिए हेल्पफुल रहता है, कितनी सहायक होती है ये पूरा, आप ऐसे बताएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। आपके अगले पेपर के लिए वन वीडियो में ऑल इन वन का मैराथन अपलोड हो चुका है, थोड़ा सा आराम कर लीजिए, थोड़ा सा फ्रेश व्रेश हो जाइए, नाश्ता पानी कर लीजिए, अपने घर वालों से बात कर लीजिए, मतलब थोड़ा सा रेस्ट होके करिए, एक वीडियो कंप्लीट देखिएगा। और वो जो वीडियो है ना, उस वीडियो को मैं बता रहा हूँ, उस वीडियो को देखने के बाद आप निश्चिंत तौर पर आप कल का पेपर आप जाके देख के आइए, कंप्लीट आपको उधर से मिलने वाला है। तो आराम से थोड़ा सा फ्रेश व्रेश हो जाइए, मस्त खा पी के आराम करिए, इतना टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, लगातार पेपर पड़ जाता है ना, तो इसीलिए अगर थोड़ा सोना चाहते हैं तो सो लीजिए, फिर उसके बाद थर्ड पेपर को देखिएगा। इस पेपर के बारे में और मेरे चैनल के फीडबैक के बारे में आप ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा, मुझे वहाँ पे इंतज़ार रहेगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अगले पेपर के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया चैनल से जुड़ने के लिए। ये पेपर तो शानदार, दो पेपर, दोनों पेपर शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। बाकी के और पेपर को भी चलते रहेंगे। चलिए, इस वीडियो में यही समाप्त करते हैं दोस्तों। खूब ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। नहीं किए हैं लाइक तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपने अन्य दोस्तों को शेयर करिए इस वीडियो को, और सबसे कहिए कि जुड़े इस चैनल से, साथ में पढ़े, साथ में आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।